बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल की माश की दाल बनाना सिखा रही हूँ। ये 3 कप माश की दाल है, इसको धो के भिगो दिया 1.5 से 2 घंटे। 3 से 4 टेबल स्पून प्याज लाल हुई हुई, 1/4 टीस्पून कलौंजी, ये 2 छोटी छोटी दालचीनी की स्टिक हैं, 2 लौंगे, 10 से 11 काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये 3 अदर टमाटर हैं, इनको मोटा मोटा काट लिया मैंने, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 4 अदद हरी मिर्चें, तेल चाहिए और गरम मसाला हमें चाहिए, और ये कसूरी मेथी ऊपर से डालने के लिए। एक पतीली चूल्हे पे रख के इसमें मैं 1/2 कप तेल डालूंगी, 1/2 कप तेल डाले, इसमें ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये गरम मसाला डालूंगी, प्याज लाल भी डालूंगी, टमाटर, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, कलौंजी, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसकी आंच हल्की कर देंगे, जरा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे टमाटर को। गल जाएंगे तो हम माश की दाल डालेंगे अपनी। हरी मिर्च डालेंगे, 1 हरी मिर्च मैं आखिर में डालूंगी, 3 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी है, नमक, मोटे मोटे
एक से सवा गिलास पानी का डाले हमने। अब हम नमक चखेंगे। मैं नमक चखूंगी। मेथी डालेंगे, गरम मसाला, दाल का पानी खुशक हो जाएगा तो हम इसको दम पे डालेंगे। पानी खुशक हो गया है, मैं इसमें एक हरी मिर्च और डाल दूंगी काट के। हल्की आंच कर देंगे, बल्कि तवे का दम देंगे हम। जरा सा गरम मसाला और डालेंगे ऊपर से। तेल डालेंगे और मैं कपड़े का दम दे रही हूँ। जितना भी पानी ज़्यादा हुआ तो कपड़े के दम देने से वो पानी खुशक हो जाएगा और हमारी दाल जो है वो खड़ी खड़ी पकेगी, ढहेगी नहीं। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम रखेंगे। हम अपनी दाल देखेंगे, जरा सी कसर है हमारी अभी दाल में। इसको दोबारा हम दम पे रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हल्की सी ये हमारी माश की दाल तैयार है और मैं इसको आपको दिखाऊंगी निकाल के। जैसा हरा धनिया डाल देंगे इस पे, जैसा ऊपर से डालूंगी मैं, मिक्स करूंगी इसको। ये हमारी माश की दाल ढाबा स्टाइल तैयार है, इसको जरूर ट्राई कीजिए। मैंने सलाद के साथ और रायते इसके चटनी के साथ सर्व किया, इसको आप रायते के साथ भी खा सकते हैं।
ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।